हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्मॉल अपार्टमेंट से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, स्मॉल अपार्टमेंट्स भी अच्छे होते हैं, इतने भी बुरे नहीं जितने हम सोचते हैं। स्मॉल होम्स के भी अपने सेट ऑफ एडवांटेजेस होते हैं। ज़रा सोचें फ्रेंड्स, एक बड़े घर को साफ और क्लटर फ्री रखना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है। आज आप जानेंगे 8 ऐसी टिप्स जिससे आपके स्मॉल अपार्टमेंट और स्पेशियस और बिगर दिखे। पॉइंट नंबर 1, फ्लोट योर शेल्व्स। फ्रेंड्स, अपने किचन में यूजुअल कैबिनेट्स को फ्लोटिंग शेल्फ से स्विच करें, जिससे आपको और ज्यादा स्पेशियस फील मिले और ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंस भी। पॉइंट नंबर 2, मेक इट कर्वी। फ्रेंड्स, कर्व्ड फर्नीचर का यूज करें इंस्टेड ऑफ द स्ट्रेट लाइन वंस, जो आपके रूम को लार्जर अपीयर करवाने का शॉर्ट तरीका है। पॉइंट नंबर 3, लेयर टेक्सचर। फ्रेंड्स, लेयरिंग टेक्सचर्स एक्सलेंट है आपके घर को कोजी और उसके खुद के साइज से ज़्यादा बड़ा दिखाने में। आप अच्छे सुंदर बास्केट्स, कार्पेट्स, फैब्रिक्स और अलग अलग टेक्सचर्स का यूज़ कर सकते हैं इस इफ़ेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पॉइंट नंबर 4, लाइट इट वेल। फ्रेंड्स, अच्छी लाइटिंग किसे पसंद नहीं। अगर आप अपने घर में नेचुरल लाइटिंग क्रिएट करते हैं इंस्टेड ऑफ द यूजुअल लाइटिंग, तो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे अपने स्पेस को एक्सपैंड होते हुए। पॉइंट नंबर 5, पेस्टल शेड्स। फ्रेंड्स, पेस्टल शेड्स जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग है आजकल डेकोर वर्ल्ड में, वो भी आपके घर को और बिगर एंड स्पेशियस शो करने का इजी एंड ट्रेंडी ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 6, लो काउच। फ्रेंड्स, लो लेवल फर्नीचर को घर में रखें, जिससे इल्यूजन ऑफ स्पेस क्रिएट होता है और एक क्लासी टच भी मिलेगा आपके अपार्टमेंट को। पॉइंट नंबर 7, ट्रांसपेरेंट फर्नीचर। फ्रेंड्स, ट्रांसपेरेंट फर्नीचर बढ़िया वर्क करेगा एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि वो लाइट फ्लो ब्लॉक नहीं करता। तो फ्रेंड्स, इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग फॉर अ स्मॉल होम। पॉइंट नंबर 8, वॉल बेड। फ्रेंड्स, वॉल बेड एक ब्लेसिंग है स्मॉल अपार्टमेंट के लिए, जो पूरे दिन वॉल रहे और रात में बेड, और आपके स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करेगा इन डे टाइम। आप उसे यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश। फ्रेंड्स, कमेंट करें कौन से टिप आपको बेस्ट लगी, और आप भी अपने आइडियाज शेयर करें कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।